नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में मैं क्लास नाइन्थ के लिए गणित के का वर्कशीट संख्या 88 लेकर के उपस्थित हूँ, जो दिनांक 11 फरवरी 2022 के लिए है। हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल की पुनरावृत्ति, पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2, पुनरावृत्ति वर्कशीट संख्या 50, 51 और 52 पे आधारित है। ये पॉलिनोमियल यानी चैप्टर नंबर 2 जो है, आपको पता है चैप्टर नंबर 2 में कुल 12, चैप्टर नंबर 2 जो है इसमें कुल 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस चैप्टर को ढंग से कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आप ये 12 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो जिन्होंने पढ़ लिया है उसके लिए भी और रिवाइज करना अति आवश्यक है। तो आइए इसमें हम रिवाइज करें, देखें पहला प्रश्न क्या है और उसको समझने का प्रयास करें। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, जो निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक एक चर वाले बहुपद हैं और कौन से नहीं है, अपने उत्तर के कारण बताएं। तो पहले चर क्या है? चर वो राशि होता है जिसका मान हमें मालूम नहीं होता, इक्वेशन टू इक्वेशन या यहाँ पे पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल वेरी करता है, यानी अलग अलग हो सकता है, तो उसको चर पद कहते हैं, चर राशि कहते हैं। चर मतलब होता है चेंजेबल, बदलने वाला, स्थान टू स्थान बदलता है। तो अब कौन सा बहुपद होगा कि नहीं होगा, बहुपद कौन सा नहीं होता है, तो उसके बारे में भी विचार कर ले। बहुपद में यदि चर जिसका मान मालूम है नहीं होता है, जैसे एक्स वाई जेड अल्फा बीटा कुछ अक्षर या इंग्लिश के वर्ण लिखते हैं एक्स वाई जेड, तो ये चर यदि रूट में होगा चर, तो ये बहुपद नहीं होगा, वन बाय चर होगा तो ये तो भी ये बहुपद नहीं होता है। साथ ही रूट में है या चर का मान फ्रैक्शन में 1/2, 1/3 है तो भी नहीं होगा। तो अब आइए हम देखें जो कि पहला सवाल में कौन सा बहुपद है, कौन सा नहीं है और कौन से एक चर वाले बहुपद हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो एक चर वाले कौन कौन से, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स है, तो है एक्स ही है, यहाँ उसके घात अलग अलग हैं, यहाँ पे दो घात है, यहाँ पे एक घात है, तो है एक्स ही, तो ये एक चर वाला है, और ये भी एक चर वाला है, ये भी एक चर वाला है, ये भी एक चर वाला है, ये अनेक चर वाला है, तो पहले तो ये कट जाएगा, अनेक चर वाला हो गया। अब एक चर वाले में कौन सा बहुपद है, कौन सा नहीं है, तो ये हमने बताया जो कि नीचे में है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, तो ये भी कट गया, और ये भी रूट में है, चर का मान रूट में है, तो ये भी बहुपद नहीं है। यहां पे संख्या रूट में हो सकता है और एक ही चर है, यहां भी एक ही चर है, तो ये बहुपद है, ये बहुपद है, यहां पे लिख सकते हैं जो कि एक्स का घात या रूट में है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। यहां पे वाई जो है नीचे हर के रूप में लिखा हुआ है, तो इसलिए नहीं है। यहां पे तीन बहुपद है, तीन चर है, तो इसलिए एक चर वाले नहीं है। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं, इसमें कह रहा है जो कि प्रत्येक स्थिति में घात लिखना है, तो घात के लिए हाईएस्ट, अब देखिए यहाँ पे तीन पद हैं, पद बहुपद में
जो एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया, कनेक्टर यानी कनेक्ट करने वाला प्लस माइनस होता है, तो प्लस माइनस से हम कनेक्ट करते हैं, तीन पद है। इसमें सबसे ज्यादा घात किस पे दिख रहा है, यानी घात यानी ये कंधे पे बैठा हुआ जो नंबर दिख रहा है आपको, यानी पावर के रूप में हम जैसे यूज करते हैं पावर, हिंदी में इंग्लिश में पावर, जैसे हम देखिए क्लास 8th में घात और घातांक पढ़े होंगे, तो ये आपने देखा होगा, ये आधार होता है और उसके बाद ऊपर में घातांक होता है। तो ये यहाँ पे जो लिखा होता है वो घातांक कहलाता है। तो देखिए किस बहुपद में सबसे ज्यादा घातांक आपको दिख रहा है, किसी जैसे पहले में सबसे ज्यादा घातांक कहाँ पे दिख रहा है, तीन है ये, तो इस पूरे बहुपद का घात तीन होगा, घात कितने हैं, तीन है। इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट घात ये है सात, ये नंबर नहीं, कुछ बच्चे नंबर देख करके करते हैं, तो ये नंबर नहीं ऊपर देखे घात के रूप में, तो घात यहाँ पे सात हो गया। यहाँ पे भी जेड का पावर, और वो भी चर पद का घात देखना है, कांस्टेंट का नहीं, कांस्टेंट जैसे नंबर का घात नहीं देखना है, तो यहाँ पे चर पद का घात क्या है, सात है, तो यहाँ भी सात लिखेंगे। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ कोई भी मान लीजिए जो कि एक चर एक्स है, तो एक्स का पावर जीरो लिख सकते हैं, किसी का भी पावर जीरो रखने पे उसका वैल्यू एक होता है, तो इसलिए ये इसका घात जो होगा शून्य होगा, जीरो, शून्य बहुपद। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है जो कि यहाँ पे कह रहा, निम्नलिखित को रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो रैखिक और द्विघाती क्या होता है, जिसके द्विघात आप जानते हैं, द्विघात जिसका घात दो हो, घात दो, त्रिघाती घात तीन हो, और रैखिक एक नया नाम है, तो रैखिक जो है रैखिक का घात एक हो, एक यानी पावर एक्स लिखा हो, उसके ऊपर में कुछ नहीं लिखा हो, तो इसका मतलब एक घात है, तो ये रैखिक हो गया। तो यहाँ पे चुने, अब देखे ये इसमें इसका घात दो है, तो ये यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे घात तीन है, तो ये त्रिघात में आएगा, यानी एक्स माइनस 5x³, यहाँ पे इसका घात दो हाईएस्ट दिख रहा है, तो ये द्विघात में आएगा, यहाँ पे लिखे जेड प्लस 5z² प्लस 7, यहाँ पे घात कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया कुछ भी नहीं, यानी एक यहाँ पे चर का चर लिखा हुआ है, तो और उसका घात कुछ नहीं है, तो इसका मतलब एक है, तो ये हो गया 11 प्लस एक्स, यहाँ पे 5k³, तो चर का घात तीन है, तो ये हो गया 5k³, यहाँ पे लिखे यहाँ पे 7x, घात के रूप में कुछ नहीं तो एक है, तो ये लिखे 7x, और ये x भी यहाँ पे आएगा, तो इस तरह से एक 60 भी था, तो 60 का घात यहाँ पे एक है, तो 60 भी यहीं पे आएगा 60, तो इस तरह से ये कैटेगराइज कर लिया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो बहुपद का शून्यक क्या होता है, किसी बहुपद का क्या चीज मान रखा जाए कि उस पूरे बहुपद का मान जीरो हो जाए, क्या रखने पर इसका मान जीरो हो जाए। तो सीधे जैसे पी एक्स का वैल्यू, यहाँ पे पी एक्स है, तो पी एक्स बराबर में जीरो रख लीजिए, तो पी एक्स के बदले क्या है, ये एक्स प्लस 7, तो यहाँ पे एक्स प्लस 7 इजकल टू जीरो हो गया,
तो एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, इस को साइड चेंज कर लीजिए तो माइनस सेवन हो गया, तो माइनस सेवन इसका शून्यक हो गया। ठीक है, तो इसको भी जीरो करना है, यानी शून्य के लिए जीरो करना है, तो पी एक्स बराबर में जीरो कर लीजिए, तो पी एक्स के बदले हम क्या लिखेंगे अब एक्स माइनस थ्री, तो यहाँ पे लिखे एक्स माइनस थ्री इजकल टू जीरो, तो एक्स इधर रखा जाएगा और माइनस थ्री उधर चला जाएगा, तो एक्स का वैल्यू थ्री हो गया, थ्री रखने पर जीरो आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे यदि हम माइनस सात प्लस सात रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब यहां भी देखे तो क्या चीज रख, इसको जीरो करते हैं बराबर में जीरो, पी एक्स इजकल टू जीरो, अब पी एक्स के बदले क्या है यहाँ पे लिखे थ्री एक्स प्लस टू इजकल टू जीरो, तो पहले जिसमें चर है उसको एक साइड रखे, अचर वाले को अलग ले जाए, तो थ्री एक्स इजकल टू हो जाएगा माइनस टू, तो एक्स इजकल टू हो जाएगा माइनस टू बाय थ्री। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पी एक्स इजकल टू, यहाँ भी पी एक्स इजकल टू जीरो रखा जाए तो पी एक्स के बदले क्या है थ्री एक्स माइनस फोर इजकल टू जीरो, तो थ्री एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा फोर, और एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा फोर बाय थ्री। यहाँ पे पी एक्स इजकल टू जीरो रखा जाए तो यहाँ पे थ्री एक्स इजकल टू जीरो, तो एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा जीरो बाय थ्री यानी जीरो, तो ये इसका शून्यक हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।